ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 19 में हमने 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, हमने फिफ्थ क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि स्प्रिंग का क्वेश्चन था। अब स्प्रिंग का हमने कर लिया क्वेश्चन, कैसे 15 ग्राम बॉल इज शॉट फ्रॉम अ स्प्रिंग गन, स्प्रिंग की गन है और हुज स्प्रिंग एज अ फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ के गिवन है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग को आपने दबा दिया, बुलेट ने दबाया 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया और फिर आपने ट्रिगर दबाया, स्प्रिंग खुल जाएगा और बुलेट या मास जो है वो बाहर चला जाएगा, ऐसे ही होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, जब आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो स्प्रिंग में क्या एनर्जी स्टोर कर दी, हाफ की एक्स स्क्वायर, फिर स्प्रिंग खुल गया, सारी स्प्रिंग की एनर्जी किसको मिल गई, मास को, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो समझ में आ रहा है, स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, ऐसे स्प्रिंग यूज होगा बीच बीच में, इस तरीके से यूज होता है बीच में स्प्रिंग, फिर अगला क्वेश्चन कैसे, तो इसको आपको के पता है, एक्स पता है, मास पता है, तो सॉल्व करके क्या जाएगी, वेलोसिटी, मास की वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज बताओ क्या होगी, अब ये रेंज क्या होती है, प्रोजेक्टाइल आप यानी कि बुलेट को कैसे चलाएंगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ताकि रेंज मैक्स हो, तो मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी, तो वी हम निकाल चुके, जी हमें मालूम है आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम रेंज वी स्क्वायर बाय जी, पर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको स्प्रिंग की हेल्प से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय हाफ की एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। रूल क्लियर है यहां तक, जैसे ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, ये नहीं किया, ये मेरी शीट में था पर मैं डिस्कस नहीं किया था, उसका सोल्यूशन सही नहीं है, उसका सोल्यूशन सही है। अ पार्टिकल जिसका मास m है इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा, फेंक दिया अल्फा एंगल पे, विद हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द पार्टिकल डिसेंड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया पार्टिकल, अब वो डिसेंड कर रहा है, नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है टू द पोजिशन वेयर वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है जब वो नीचे आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, जब वेलोसिटी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाया, अल्फा बाय 2, तो इसमें दो पोजीशंस हैं, पहली ये पोजीशन है, दूसरी ये पोजीशन है, ठीक है यहां तक, दो पोजीशंस हैं। क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे, ये वेलोसिटी, ये प्रोजेक्टाइल नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसे खींच रही है, तो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है, और ग्रेविटी ने क्या किया, इसकी वेलोसिटी में चेंज ला दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू कॉस अल्फा, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, तो देयर इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, वी, और टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा, तो चेंज ऑफ एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू एम इंटू यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती हैं, तो यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहां पर वी कॉस अल्फा बाय 2, क्योंकि वी तो मैंने खुद एज्यूम किया है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, वी आ गया। इस वी को यहां पर पुट करेंगे, तो जब इस वी को यहां पर पुट करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये टर्म आएगी, कॉमन निकलेगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये टर्म आएगी, एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आएगा, नॉट फॉर मेडिकल, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर मेडिकल, ओनली फॉर मेंस, समझ में आ रहा है यहां तक, मेडिकल में नहीं आएगा ये, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। इस शीट को मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, ईमेल करके मेरे से शेयर कर लेना, तो वहां सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 10th क्वेश्चन ओनली फॉर नॉन मेडिकल, मेंस ओनली, नीट के लिए नहीं, 9 CRT। तो फोर्स वेक्टर गिवन है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, कहां कहां जा रहा है, A,0 से लेके A,A पे जा रहा है, A,0,0 ओरिजिन से स्टार्ट होके A,0 से लेके A,A पे आ रहा है, ये पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है 0,0 से लेके A,A तक, ये गिवन है। क्या निकालना है, वर्क डन बताओ क्या है, फोर्स फैक्टर पता है, वर्क डन क्या है, एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एफ वेक्टर है तो dr भी वेक्टर में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2D का है,
तो dr के दो कॉम्पोनेंट्स लेंगे, dx i cap dy j cap. जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो ये टर्म आएगी. ठीक, i को i के साथ तो y dx, j को j के साथ तो x dy. ये डिफ्रेंसिएशन का u इंटू v का फॉर्मूला है, y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई. अब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन विल गिव इटसेल्फ एक्स वाई, क्योंकि दो बार, एक बार डिफ्रेंसिएशन एक बार इंटीग्रेशन एक्स वाई आएगा. और लिमिट इसमें दो दो लगेंगे क्योंकि वेरिएबल दो दो एक्स वाई, तो कहां से कहां, 0,0 से लेके a, a तक. एक बार एक्स वाई की जगह अपर लिमिट a एंड a, एक बार एक्स वाई की जगह लोअर लिमिट 0 एंड 0 आंसर. तो नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स में करवाया जाएगा, नॉन मेडिकल में कैलकुलस में सारा काम, तो उनको इतनी इंटीग्रेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेडिकल में ये आना नहीं, आपको बस यही स्टेप समझ में आने चाहिए, पहले दो स्टेप, बाकी ये प्लस टू के अंदर ही जाएगा, अभी इसकी करने की फ़ायदा नहीं है. पर क्योंकि डी सी पांडे के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है तो बहुत लोग डाउट्स लेके आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि डाउट्स लेके आए, उनको एटलीस्ट पता है कि मुझे अभी छोड़ना है या करना है. ठीक है, यहाँ तक तो सफिशेंट है.